रुख करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। अनजान वीडियो कॉल से हो जाएं सावधान, हो सकते हैं सेक्सटॉर्शन का शिकार, लग सकता है लाखों का चूना और हो जाएंगे परेशान। जी हाँ, यही हुआ है ग्वालियर में एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ। रिटायर्ड अफसर के पास कुछ दिन पहले एक युवती का फोन आया। युवती ने खुद को रिटायर्ड अफसर का सोशल मीडिया फ्रेंड बताया। युवती ने फिर वीडियो कॉल किया और खुद के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ये थे एक बुजुर्ग ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद युवती का मैसेज आया कि उसे 20,000 रुपए दें, नहीं दिए तो वो वीडियो वायरल कर देगी। बुजुर्ग ने युवती की धमकी को अनसुना कर दिया, लेकिन इसकी थोड़ी देर बाद ही एक युवक फोन करता है और अपने को क्राइम ब्रांच का अफसर बताता है कि उसके खिलाफ एक युवती ने न्यूड वीडियो बनाने की शिकायत दर्ज कराई है। FIR रोकने के नाम पर कथित क्राइम ब्रांच अफसर ने बुजुर्ग अधिकारी से अपने अकाउंट में धीरे धीरे करके 90,000 रुपए जमा करवा लिए। ये सिलसिला यही नहीं रुकता है। कथित क्राइम ब्रांच अफसर का फोन दोबारा आया। बताया जाता है कि युवती को पकड़ लिया गया है और कहा गया कि अगर आपने 1.5 लाख रुपए नहीं दिए तो युवती की तरफ से आपके खिलाफ FIR की जाएगी। बदनामी के डर से बुजुर्ग रिटायर्ड अफसर ने इस डिमांड को भी पूरा कर दिया। इस तरह से आरोपियों ने करीब 2,40,000 रुपए की ठगी की है। इसके बाद भी ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला यहीं नहीं थमा, लगातार परेशान किया जाता रहा और आखिर में बुजुर्ग ने क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत दर्ज करवाई। साइबर सेल ने मामला दर्ज किया और अब आरोपी युवती और उसके कथित क्राइम ब्रांच अफसर साथी की तलाश में पुलिस जुट गई है। लहूलुहान शरीर पर जख्म के निशान, अस्पताल में भर्ती ये वो पीड़ित है जिन पर बदमाश ने दिन दहाड़े हमला बोल दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जहां नीति नियंता बैठते हैं, जहां पुलिस महकमे का मुख्यालय है, जहां से बनती है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की नीति, उस राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की वारदात हुई। दो युवकों का रास्ता रोककर बदमाशों ने चाकुओं से गोद दिया। रमाकांत जगत और रियाज खान को कालीबाड़ी इलाके में चाकू मारा गया। बताया जाता है कि रास्ते से गुजरते वक्त बदमाश ने पहले रोका और फिर हमला कर दिया। आरोपी का नाम मुकेश बनिया बताया जाता है, जो आदतन अपराधी है। कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद पुलिसिया महकमे पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसे अफसर शाही कहिए या कह लीजिए अफसर की हनक, क्योंकि मोबाइल गुम होने के बाद आम लोगों की FIR तक लिखवा पाना मुश्किलों भरा होता है। ऐसे में एक अफसर का मोबाइल गुम हुआ और उसे ढूंढने के लिए मेगा ऑपरेशन चला दिया गया। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर की। यहाँ परकोट जलाशय में कोयलीबेड़ा ब्लॉक के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास का फोन गिर गया था। इस तालाब में तकरीबन 15 फीट पानी भरा हुआ था। फोन गिरने के बाद उसे निकालने के लिए गोताखोरों की मदद ली गई, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो मोटर पंप लगाकर पूरे तालाब को ही खाली करवा दिया गया। एक अदद मोबाइल के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन हैरान तो करता है। पानी की बर्बादी पर सवाल उठे तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे हैं। अधिकारी ने मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी निकाल दिया। इतने में 1,500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी। वहीं जब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कही, साथ ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। अक्सर ट्रैफिक नियमों की लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती है, बावजूद इसके लापरवाही का सिलसिला थमता नहीं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। एक बाइक पर कितने लोग बैठते हैं? कानून संगत जवाब होगा 2। कानून को ताक पर रखने के लिए आमादा हो जाएं तो 3 भी 4 भी, लेकिन एक बाइक पर 6 सवार। तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं। बाइक पर बैठे युवकों में कई नाबालिग हैं जिन्हें हम दिखा नहीं रहे, लेकिन ऐसी लापरवाही जानलेवा है। ये युवक जिस बाइक पर बैठे हैं, दरअसल वो लूना बाइक है। दुर्ग जिले के अहिवारा की यह घटना है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और 2,000 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही नसीहत दी गई कि ऐसे गलती दोबारा ना करें, जान कीमती है। पुलिस ने परिजनों के द्वारा भी लोगों से अपील करवाई है। जंगल में कंकाल, हत्या की साजिश और क्या है इसका राज? पुलिस की जांच, होगा पर्दाफाश। छत्तीसगढ़ का जिला रायगढ़ बीहड़ पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ। नौरंगपुर जंगल में दफन एक कंकाल, जिसे जंगल में तेंदू पत्ता तोड़ने गई महिलाओं ने देखा। जंगल में कुछ कुत्ते गड्ढा खोद रहे थे। जहां कुत्ते गड्ढा खोद रहे थे वहां पर कंकाल का कुछ हिस्सा दिख रहा था।
गांव लौटकर महिलाओं ने इसकी जानकारी गांव वालों को दी और गांव के जिम्मेदार लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब जंगल में पहुंची, कंकाल के हिस्सों को इकट्ठा किया गया और जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। शव को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में गाड़ने की थ्योरी पर पुलिस जांच कर रही है। शव का काफी पुराना होना बताया जा रहा है। आसपास मिले सबूतों के आधार पर यह किसी महिला का कंकाल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद ही इस कंकाल का राज खुलेगा और साजिश के तार जुड़ेंगे। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर के विशेष निमंत्रण पर 30 से ज्यादा देशों के राजदूतों और विदेशी राजनयिक समुदाय के सदस्यों ने अबू धाबी में बन रहे बीपीएस हिंदू मंदिर परिसर का दौरा किया और वहां चल रहे निर्माण कार्यों को देखा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला साल 2018 में रखी थी और मंदिर निर्माण से जुड़ी हर जानकारी पीएम खुद लेते रहते हैं। मंदिर निर्माण परियोजना को भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधनों का प्रतीक पीएम ने बताया है। यूएई में भारत के राजदूत सुधीर ने यूएई के नेतृत्व की दृष्टि और देश में एक मॉडल बहु सांस्कृतिक और शांतिपूर्ण कोशिशों को बेहतर प्रयासों का समन्वय बताया है। जिन 30 देशों के राजनयिक समुदाय ने बीपीएस परिसर का दौरा किया वो वहां पहुंचकर काफी खुश नजर आए और सभी ने मिलकर फोटो सेशन भी कराया। खुले मैदान में चहलकदमी करते 3-3 टाइगर, तस्वीरें भोपाल के कलियासोत इलाके की हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कलियासोत गेट के आगे कुंड के पास एक साथ 3 टाइगर देखे गए। दूर से किसी ने इसका वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि बाघ यहां कुंड में पानी पीने के लिए आए थे। तस्वीरें काफी दूर से खींची गई हैं, इसलिए साफ नहीं हो पा रही। बताया ये भी जा रहा है कि पानी पीने के बाद बाघ जंगल की तरफ लौट गए हैं। इधर वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वन अमला मौके पर पहुंचा और इस पूरे इलाके की निगरानी शुरू की गई। दरअसल इलाके में पिछले 3 दिनों से बाघ देखे जा रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में डर भी व्याप्त है। मध्य प्रदेश के सीहोर में खूंखार तेंदुए ने आतंक मचा दिया है। जिले के मोयापानी गांव में तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला किया। तेंदुए ने एक किसान और एक बच्चे को जख्मी कर दिया है। खूंखार के हमले में दोनों लहूलुहान हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल भेजा गया। घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तेंदुए के खौफ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडियो में देखिए तेंदुए के डर में कैसे मवेशी भाग रहे हैं। इधर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद इच्छावर वन परिक्षेत्र इलाके में तेंदुए की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के तिलसेवा थाना इलाके में पुलिस की टीम पर हमला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में 7 महिलाओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया है। अब इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ महिलाएं उलझती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच एक तस्वीर हैरान भी करती है। वीडियो में कार्रवाई का विरोध करती एक महिला पर पुलिसकर्मी पैर चला देता है, महिला जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि कार्रवाई के नाम पर महिलाओं के साथ ऐसा रवैया क्या उचित है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये सही है तो तय ये भी किया जाना चाहिए कि उस पुलिसकर्मी पर क्या कार्रवाई की गई, जो महिला को लात से मारता हुआ नजर आ रहा है। जंगल के इलाके में बनाए गए ये घर दरअसल अवैध कब्जा है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की खबर वन विभाग को भी है, लिहाजा अतिक्रमणकारियों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है।
इसी कड़ी में गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इलाके के इचरादी गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई थी, जिस पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, अतिक्रमणकारियों ने वन अमले पर हमला कर दिया। इस हमले में वन विभाग के दो कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं, एक का सिर फट गया। इधर गांव में बिगड़ते माहौल को देखते हुए वन विभाग ने कुछ देर के लिए कार्रवाई रोक दी। मिली जानकारी के मुताबिक 65 परिवारों ने इचरादी गांव में अवैध कब्जा कर रखा है। कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने 6 आरोपियों को भी पकड़ा है। इस घटना से जहां अतिक्रमणकारियों के बुलंद हौसले सामने आए हैं, वहीं अतिक्रमण हटाना वन विभाग के लिए चुनौतियों भरा साबित हो रहा है। प्रेम में बातें होती होंगी चांद सितारे तोड़ लाने की, मोहब्बत में सितारे लगाने की, बात बात में शाहजहां के जैसा मुमताज की याद में ताजमहल बनाने की। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक रिटायर्ड शिक्षक ने पत्नी की प्रेम में कुछ ऐसा किया जो किसी मिसाल से कम रहे। गगनचुंबी शानदार ये मंदिर कोई शक्तिपीठ नहीं, बल्कि ये है प्रेम मंदिर, जिसे पत्नी की याद में एक पति ने अपने जीवन की पूरी कमाई खर्च कर बनवाया है। साल 2016 छतरपुर नगर के रहने वाले डॉक्टर बीपी चंसोरिया के पत्नी वंदना चरसोरिया का देहांत हो जाता है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि उनकी पत्नी की दिली इच्छा थी कि चित्रकूट में राधा कृष्ण मंदिर के साथ एक आश्रम बनाया जाए। इससे पहले कि उनकी इच्छा पूरी होती, वंदना चंसोरिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब स्वर्गवासी पत्नी की याद में बीपी चंसोरिया ने राधा कृष्ण प्रेम मंदिर का भव्य निर्माण करा दिया और 1.5 करोड़ की राशि खर्च कर दी अपने प्रेम को अमर करने के लिए। अब मंदिर के लोकार्पण और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। बुंदेलखंड सहित प्रदेश भर में इस प्रेम की खूब चर्चा है। अंधेरी रात और सुनसान सड़कों से गुजरते गजराज एक एक हाथी सड़क पार करते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले की हैं। जहां हाल के दिनों में हाथियों का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक हाथियों का झुंड अभी मरवाही के तेवरी डांड इलाके में है। सड़क पार करते हुए हाथियों का वहां से गुजर रहे लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें हाथी हाईवे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इस इलाके में हाथियों ने पिछले 4 दिनों से डेरा जमा रखा है, जिससे स्थानीय लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि ये झुंड उनकी फसलों को भी बर्बाद कर रहा है। साथ ही उन्हें डर रहता है कि हाथी उनके गांव तक न पहुंच जाए। वहीं इस दौरान लोगों की लापरवाही भी देखने को मिली, क्योंकि वे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हाथी के काफी करीब जा पहुंचे। संभव है कि ऐसे में हाथी उन पर हमला भी करें।